नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। श्रवण माह में करें कौन सी शिवलिंग की करें पूजा। श्रवण माह में जिसकी जैसी मनोकामना होती है वह वैसे शिवलिंग की पूजा करता है। आप जानते हैं कि श्रवण माह में प्रमुख रूप से किस शिवलिंग की पूजा सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होती है। शिवलिंग के प्रकार। प्रमुख रूप से शिवलिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। पहला उल्का पिंड की तरह काला अंडाकार लिए हुए है। ऐसे शिवलिंग को भारत में ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारे से बना शिवलिंग होता है। पारद विज्ञान प्राचीन वैदिक विज्ञान है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख छह प्रकार होते हैं, देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभूलिंग। देवलिंग, जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणी द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। वर्तमान समय में धरती पर मूल पारंपरिक रूप से यह देवताओं के लिए पूजित है। असुर लिंग, असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए वह असुर लिंग। रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुर लिंग था। देवताओं से द्वेष रखने वाले रावण की तरह शिव के असुर या दैत्य परम भक्त रहे हैं। पुराण लिंग, पौराणिक काल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण शिवलिंग कहा गया है। इस शिवलिंग की पूजा पुराणों को द्वारा की जाती है। मनुष्य लिंग, प्राचीन काल या मध्य काल में ऐतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग, भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगहों पर हैं, वरदान स्वरूप जहां शिव प्रकट हुए थे। पारद शिवलिंग, पारद शिवलिंग अक्सर घर, ऑफिस, दुकान आदि जगहों पर रखा जाता है। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। मिश्री शिवलिंग, यह शिवलिंग चीनी या मिश्री से बना होता है। कहते हैं कि इसकी पूजा करने से रोगों का नाश होकर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जौ और चावल से बने शिवलिंग, पारिवारिक समृद्धि के लिए इसका पूजन होता है। जो दंपति संतान सुख से वंचित है उन्हें संतान सुख प्राप्ति होती है। भस्म शिवलिंग, यज्ञ की भस्म से बनाए गए इस शिवलिंग से सिद्धियों की होती है। इसकी पूजा अक्सर अघोरी संप्रदाय के लोग करते हैं।